बीएमएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आपके पास अवेलेबल हो जाए, इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप चेंज अपना डेटा सोर्स चेंज करना चाहें, या आप चाहें पे क्लिक कीजिए और वहां से आप अपनी टेबल रेंज दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर से नए डेटा के साथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा आपका पिवट टेबल। इसके अतिरिक्त आप चाहें तो क्लियर कर सकते हैं, क्लियर ऑल करते ही सारा का सारा टेबल हट जाएगा। मैं कंट्रोल जेड करके अभी वापस ले आता हूं टेबल। सिलेक्शन में आपके पास अवेलेबल है पूरा पिवट टेबल करना चाहते हैं तो एंटायर पिवट टेबल करें। अगर आप चाहते हैं केवल लेवल ऑफ वैल्यूज हो तो पूरी लेवल ऑफ वैल्यूज, केवल वैल्यूज हो तो सिर्फ वैल्यूज सेलेक्ट करेगा ये। केवल लेवल सेलेक्ट करने हैं तो केवल लेवल सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने पिवट टेबल को दूसरी शीट पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं या दूसरे स्थान पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके लिए मूव पिवट टेबल क्लिक कीजिए। कहाँ पे आप उसे ले जाना चाहते हैं उस लोकेशन पे क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, आपका पिवट टेबल वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। मूव पिवट टेबल से आप नई वर्कशीट पे भी लेके जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगला जो ग्रुप है कैलकुलेशंस का, कैलकुलेशंस के ग्रुप में समराइज वैल्यू बाय, आप वैल्यू किस प्रकार से देखना चाहते हैं, एवरेज के रूप में या कोई बड़ा नंबर मैक्सिमम में या कोई छोटा नंबर मिनिमम में। आप एवरेज में देखना चाहते हैं, एवरेज पे क्लिक कर दीजिए, सारी वैल्यूज एवरेज में अवेलेबल हो जाएंगी। आप चाहें तो उसे सम में भी ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप वैल्यूज को देखना कैसे चाहते हैं, परसेंटेज ऑफ फ्रंट टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, परसेंटेज ऑफ रो टोटल, तो जैसा आप चाहते हैं वैसा आप क्लिक कीजिए, उस प्रकार का डेटा को वो रिप्रेजेंट कर देगा परसेंटेज में। नो कैलकुलेशन क्लिक करेंगे तो वापस नॉर्मल स्थिति में आपका डेटा आ जाएगा। इसके अतिरिक्त एक अन्य विशेषता इसमें एक्सेल में आपके पास जो उपलब्ध है पिवट टेबल में फील्ड आइटम्स एंड सेट्स के रूप में। आप चाहते हैं आपकी कैलकुलेशन जो आपने की है उसके साथ एक फील्ड भी जुड़ जाए जिसमें आप अपनी मनपसंद की वैल्यूज का प्रयोग कर सकें, तो उसके लिए आप फील्ड आइटम पर क्लिक करें, कैलकुलेटेड फील्ड पर क्लिक करें। सेल के लिए फार्मूला डिफाइन कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे सेल पर क्लिक करके इंसर्ट फील्ड करना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ जो सेल दिखाई दी गई है उसमें 200 प्लस करके दिखाया जाए, तो सेल प्लस 200 कर देता हूँ और जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरे पास एक और फील्ड जुड़ गई है जिसमें ये देखिए एक जो फील्ड पहले अवेलेबल थी और एक अब नई फील्ड अवेलेबल हो गई है जिसमें जो वैल्यूज हैं उसमें 200-200 वैल्यूज जोड़ के बताई गई हैं। अब ध्यान दें तो ये जो आपके पास पिवट टेबल फील्ड लिस्ट अवेलेबल है इसमें भी सम ऑफ फील्ड 2 के नाम से जुड़ गई है। आप चाहें तो यहाँ से इसका नाम भी बदल सकते हैं, जैसे कि इसका नाम मैं कर देता हूं एक्स्ट्रा 200 के नाम से। तो देखिए सब कॉलम्स के ऊपर जो टाइटल आ गया है वो एक्स्ट्रा 200 के नाम से आ गया है। इसके अतिरिक्त मैं चाहूं तो इसे हटा भी सकता हूं, यहां से आप ड्रैग करके इसे बाहर की तरफ ले जाए तो फील्ड वहां से हट जाएगी। इस प्रकार से आप अपनी फील्ड्स का प्रयोग इस पिवट टेबल की फील्ड के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास, अगर आप पिवट टेबल पे क्लिक करें ऑप्शंस में देखें तो हमारे पास पिवट चार्ट के रूप में अलग से ऑप्शन उपलब्ध है। पिवट चार्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप ध्यान दें चार्ट के काफ़ी सारे प्रकार आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। मैं सबसे पहले वाला पार्ट यानी कि कॉलम टाइप ले रहा हूँ और उसमें जिस प्रकार का कॉलम का सब टाइप चाहिए वो प्रकार लेके आप क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक टेबल अवेलेबल हो जाएगा जो कि पिवट चार्ट के रूप में अवेलेबल है। देखिए अब इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ स्टेट वाइज आपके पास डेटा आप दिखा सकते हैं, जैसे जिसको चाहें ऑफ कर दें, जिस डेटा को चाहें ऑन करके आप दिखा सकते हैं। इसी तरह से आइटम वाइज भी आप ऐसा कर सकते हैं जिससे आप चार्ट के द्वारा किसी भी प्रकार का डेटा का तुलना कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ स्टेट पे जाके ऑल कर देता हूँ और इसी तरह से आइटम पे जाके भी ऑल कर देता हूँ तो मेरे पास सारा का सारा डेटा जो है टेबल में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए हमारे पास एक ऑप्शन और है इसके अलावा। सबसे पहले मैं इसमें इस चीज का प्रयोग करने के लिए आपकी जानकारी ये बता दूं, इसमें एक ओलैप टूल्स और व्हाट इफ एनालिसिस, ये दो टूल है। ओलैप टूल्स होता है ये ओलैप डेटा सोर्सेज के साथ प्रयोग किया जाता है, और हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन जो है व्हाट इफ एनालिसिस का, उसकी जानकारी थोड़ी देर पश्चात हम इसमें लेंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास लास्ट में शो बॉक्स में तीन फील्ड दी गई हैं। सबसे पहले फील्ड लिस्ट है, आप ऑन ऑफ करके फील्ड लिस्ट आप जो
राइट हैंड साइड पे दिखाई दे रहा है वो ऑफ कर सकते हैं। प्लस माइनस बटन को हटा सकते हैं, मींस आप ग्रुपिंग को अनग्रुप और ग्रुप कर सकते हैं। यहाँ से करना ये पड़ेगा आपको, मान लीजिए मेरे पास दो बॉक्स ग्रुप में हैं और मैं प्लस या माइनस सिंबल हटाना चाहता हूँ तो हटा सकता हूँ यहाँ से। इसके अलावा फील्ड हेडर हटाना चाहता हूँ तो वो भी हटा सकता हूँ। इस तरह से मैं पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट का प्रयोग कर सकता हूँ। नेक्स्ट टैब जो हमारे पास अवेलेबल है पाइवट टेबल टूल्स के अंतर्गत ही डिजाइन टैब है। ये बात तभी दिखाई देगी जब आप टेबल पे पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास डिजाइन जो बार है के अंतर्गत जो रिबन है उसमें काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले लेआउट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सब टोटल्स। आपका जो पाइवट टेबल है उसमें क्या आप सब टोटल दिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते वो यहाँ से निर्धारित कर सकते हैं। डू नॉट शो सब टोटल्स, शो ऑल सब टोटल्स, शो ऑल सब टोटल्स एट टॉप ऑफ द ग्रुप। इस तरह से आप चाहे तो ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह से ग्रैंड टोटल ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज एंड कॉलम, ऑन फॉर रोज ओनली और ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। इस तरह से आप टोटल का प्रयोग कर सकते हैं, ग्रैंड का। रिपोर्ट लेआउट भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट फॉर्मेट चाहिए आपको, आउटलाइन फॉर्मेट चाहिए, टेबुलर फॉर्मेट चाहिए। इस तरह से आप अलग अलग तरह के फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैंक रोज, कई बार ऐसी आवश्यकता हो सकती है कि आपको एक एक आइटम के बाद, एक एक फील्ड के बाद आपको एक ब्लैंक रो चाहिए, तो आप इंसर्ट ब्लैंक लाइन कर सकते हैं। यहाँ से देखिए एक एक एक्स्ट्रा लाइन आपके पास अवेलेबल हो गई है। ये वाली लाइन है, इसके साथ ये वाली लाइन और यहाँ पे ये वाली लाइन। हटाना चाहे तो ब्लैंक रो पे रिमूव ब्लैंक रोज कर दीजिए, वो लाइन हट जाएगी। इसके अतिरिक्त आप रो होल्डर्स ऑन ऑफ कर सकते हैं, कॉलम हेडर ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैंड रोज ऑन ऑफ कर सकते हैं, बैंड कॉलम्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। चाहे तो किसी प्रकार का डिजाइन या स्टाइल भी आप ले सकते हैं। यहाँ से देखिए मैंने बैंड रोज और बैंड कॉलम ऑन कर दिया है। यहाँ से डिफरेंट प्रकार का कलर और डिफरेंट प्रकार का स्टाइल भी मैं ले सकता हूँ। इस प्रकार से मैं पाइवट टेबल के डिजाइन और ऑप्शन दोनों बार्स का प्रयोग कर सकता हूँ।